बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2 फॉर ग्रेड 10th। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इराज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस एंड व्हाट दे हैव डन इन देयर इरा। इरा इज एक्चुअली द ड्यूरेशन इन विच they took the charge and they end their charge. First of all, we discuss Zulfikar Ali Bhutto Iram, a one politician. So 20th December 1971 to 5th July 1977, this is a time period of Zulfikar Ali Bhutto Iraz. Zulfikar Ali Bhutto took over the office of President of Pakistan as well as Civil Martial Law Administrator on 20th December 1971. Zulfikar Ali Bhutto ne 20 December 1971 ko Sadr-e Pakistan और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। ठीक है, दो ओहदे थे उनके पास, एक पाकिस्तान के सदर की हैसियत से और दूसरा चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा लिया। ही वॉज द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री। वो पहले मुल्क में पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही वॉज द फर्स्ट मार्शल लॉ ओके टू क्रिएट अ न्यू स्पिरिट इन द नेशन एनेबल देम टू फेस द चैलेंजिंग कंडीशंस एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हिज पॉलिसीज। ही मेड हिज फर्स्ट स्पीच द सेम डे विच gave new determination and zeal to the morale of Pakistani people. What does this mean? कि कौम में एक नई रूह पैदा करने के लिए, लोगों को मुश्किलात का सामना कर मुकाबला करने के लिए और आवाम को अपनी नई पॉलिसीज से फेमिलियर कराने के लिए उन्होंने अपनी पहली स्पीच में यानी अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तानी आवाम के हौसलों को एक नया अज़्म और जोश और वलवला दिया। उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में पाकिस्तानी नेशन को जो है एक न्यू करेज दी। ही सेड द कंट्री इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस के मुल्क जो है वो एक ख़तरनाक मुल्क को जो है एक सीरियस क्राइसिस से का सामना है और हमें इस क्राइसिस को बड़ी हिम्मत से फेस करना है। ही सेड आई हैव टेकन ओवर एट अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज़ रीच इट्स टर्निंग पॉइंट। वो क्या कह रहे हैं अपनी फर्स्ट स्पीच में कि मैंने ऐसे वक्त में चार्ज संभाला है जब तारीख़ पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। टर्निंग पॉइंट, फैसला कुन मोड़। एंड आई हैव टू बिल्ड अ न्यू एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और मुझे पाकिस्तान को एक नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है। विच द कायदे आज़म ड्रीम, जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। इट इज़ माई बिलीव डेट इट विल डेफिनेटली बी डन और ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। देन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1971 to 1977। अब एक्चुअली उन्होंने कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, इकोनॉमिक माशी रिफॉर्म्स इस्लाहात जो उन्होंने चेंजेस की थी फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी पीपल।
दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट मेन एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म इज नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मीन्स सनतों को कौमी तहवील में ले लेना गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया. बाय द 1971 60% ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रीज इन इंडस्ट्रियल एसेट्स एंड द 80% ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेसेस वर ओन्ड बाय 22 फैमिलीज. कि 1971 तक मुल्क के 60% सनती असासे एसेट्स असासे इंडस्ट्रियल सनती एंड 80% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, और 80% इंश्योरेंस का जो कारोबार था वो सिर्फ 22 खानदानों का की मलकियत था. बाद में क्या हुआ, ऑन December 22nd 1971 पासपोर्ट ऑफ 22 कैपिटलिस्ट फैमिलीज वर कॉन्फिस्टिकेटेड. 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादार ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए और बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस ऑफ मोर देन 10 मिलियन वर्थ इंस्टेड टू 19 कंपनीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और 19 कंपनियों को जारी किए गए जो 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस थे वो गैर कानूनी करार दिए गए. नाउ व्हाट ही हैड डन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट एंड स्टेबिलिटी इसेंशियल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को आवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी ख्याल किया. इनके दिल में आवाम की भलाई का जज्बा था. ही डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिस्ट द वेल्दी एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट. वो सरमायादारों दौलतमंदों और कारखाना दारों की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते थे क्योंकि उसमें पाकिस्तानी आवाम की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज मौजूद नहीं थी. भुट्टो इशूड एन ऑर्डिनेंस ऑन 22 जनवरी 1972 अंडर विच 10 हैवी इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. द इंडस्ट्रीज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट आर एज फॉलोज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. अच्छा, आवाम की जो इन नाइंसाफियों से निजात दिलाने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक लॉ जारी किया जिसके तहत 10 बड़ी सनतें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली गई और उनके नाम जो 10 इम्पोर्टेंट सनतें हैं वो ये हैं, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स जो बुनियादी सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं फॉर कंज्यूमर, स्टील इंडस्ट्री, फौलाद साजी और लोहे की सनत, एक्चुअली हैवी इक्विपमेंट भारी मशीनरी एंड पेट्रोकेमिकल की सनत. Then we have cement industry.
सोशल वेलफेयर सर्विस इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री एंड द लास्ट वन इज हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। Under the industrial reforms, the directors of 20 industrial units were terminated and their managing agencies were closed. Separate managing directors were appointed for each industrial unit in the interest of country. 11 more industrial units were nationalized on 16 January 1972. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर बरतरफ कर दिए गए और इनकी जो मैनेजिंग एजेंसीज हैं उनको क्लोज कर दिया गया। देन सेपरेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड, यानी हर सनती इदारे के इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए अलहदा अलहदा इंतज़ामी डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मज़ीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए, उनको नेशनलाइज कर दिया गया और उनसे हासिल किया जाने वाला जो प्रॉफिट था वो आवाम की वेलफेयर में यूज़ किया गया। भुट्टो हुकूमत के जो ये पॉलिसीज थी इससे पाकिस्तान में सनती तरक्की हुई और इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबिलिटी पैदा हुई। देन जो दूसरा रिफॉर्म था भुट्टो के इरा में वो क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। पहले हमने इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन को डिस्कस किया, अब बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को डिस्कस करेंगे। द बिग कैपिटलिस्ट फैमिलीज हैड देयर ओन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज विच वर इनकरेजिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो बड़े बड़े सरमायादार ख़ानदानों ने अपने अपने निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक्स बनाए हुए थे और बीमा कंपनियां बना रखी थी, जिससे जो है सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम को स्टेबिलिटी मिल रही थी। इससे आवाम की कोई वेलफेयर नहीं हो रही थी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट गेनिंग एनी कंसिडरेबल प्रॉफिट, गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था इन यूनिट से। एंड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, और मुल्क की जो है मुल्क की स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए जो है इन यूनिट्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया। कंपनीज वर नेशनलाइज्ड एंड मर्ज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन, और जो मुख्तलिफ कंपनीज थी उनको मर्ज कर दिया गया जो नेशनल स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन है उसके साथ।